मदद करें। ये तीनों मौजूद हैं और ये तीनों हमारी मेंटोर हैं, इंशाल्लाह पूरे वीक हमारे साथ रहेंगी। 25 मिनट का टाइम है जो आपको मेकअप के लिए दिया जाएगा। रेडी गेट सेट गो। कहो के बच्चिया लोगों को डेंजर जोन में भेजेंगे। एक तो है शमीमा जी डेंजर जोन में है, आमना इधर खिजरा की दुल्हन है डेंजर जोन में। आमान का फैसला और हमारे मेंटर्स का फैसला एक ही है और आज हमारे शो से शामीन माजिद एलिमिनेट हो जाएंगी। रेड लिपस्टिक से मोटर बनाना है तो ये कि स्किन कलर की कोई लाइट ब्राउन कलर की पेंसिल ने सबसे पहले पेंसिल से अपनी शेपिंग आप लोगों को पता चलेगा कि ये वो विनर है जिसे सबा बीनिश और हुमा ने विनर करार दिया, जिसे आप लोगों ने विनर करार दिया। वैसे हमेशा ऐसा क्या होता है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, पूरे साल पढ़े होते, बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं और जैसे एग्जाम नजदीक आता है आपकी दोस्त या किसी और ने आपको कंफ्यूज किया कि आप तुमने वो सवाल नहीं तैयारी की, वो तो जरूर आएगा, आप सब भूल जाते हैं और आप उस क्वेश्चन की तैयारी में लग जाते हैं जो पता नहीं इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, और पेपर में सब उथल पुथल करके आ जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं ना। उसी तरह शादी वाले घर में चाहे आप कितने भी बहुत ही सॉलिड तैयारी हुई भी होती है, कितने ही महीनों से तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन जब शादी वाला दिन करीब आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, दुपट्टे जल गया, कपड़े जल गए, मेकअप आर्टिस्ट भाग गया, कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है, आज हमारे पास ग्रैंड फिनाले है और जो चार दिन तक यहाँ ऐसे जमी रही हैं सॉलिड बनकर, जिनका काम आपने देखा और पसंद किया है, कुछ पता नहीं कि आज उनके हाथ पांव काम जाए। जैसे कल हुआ था, परसों सबने इतना आला काम किया था कि हमें मुश्किल हो गया था ये डिसाइड करना कि कौन बाहर जाएगा, और कल सबने इतना बुरा काम किया था हाथ पांव फूल गए सबके, मतलब कोई टास्क ऐसा आ जाता है कि आप उथल पुथल हो जाते। लेकिन हमने अपने जितने भी सीजन्स हैं उसमें हमने देखा है कि लोगों ने सीखा है, और अल्लाह करे आज मुझे ये रिजल्ट निकल के सामने आए कि हमारी सारी कंटेस्टेंट्स ने कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर सीखा है और शायद आप लोगों ने भी सीखा हो। सो कल जहाँ ताना टूटा था शो का, मैं उसी जगह से कनेक्ट कर रही हूँ और वो कनेक्शन ये है, खिजरा और मुस्कान ये दो कंटेस्टेंट्स ऐसी थी जो डेंजर जोन में थी, जिन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया था। अब जरा मैं उन दोनों को यहाँ वापस बुलाना चाहूँगी और फिर मैं रिजल्ट सुनाऊंगी कि हुआ क्या है एक्चुअली उनके साथ। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, जरा आइए। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ है मुस्कान और एक तरफ है मेरे खिजरा। मुस्कान और खिजरा पहले दिन से ही इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुस्कान तुम डेंजर जोन में गई पहले दिन से, कल के अलावा? कल के अलावा मैं नहीं गई थी डेंजर जोन में, और कल भी जो जज किया था तो पहले हमें कहा गया था कि मेकअप जज करेंगे। हाँ यही कहा था मैम उन्होंने मुझे, जो मेकअप जज करेंगे मतलब के हेयर नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा किन्हों इन्होंने, मैं यहाँ पे 25 मिनट मेकअप के दे रही हूँ, 20 मिनट हेयर के दे रही हूँ, दुल्हन अगर गंदे बालों के साथ जाके बैठ जाती है अपनी शादी पे तो मेकअप से आप हेयर आपकी आउटलाइन है,
ये हमें सिखाया है यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने आके. सो भारत मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी ओवरऑल लुक का मुकाबला था जिसमें कल आप पीछे रह गई और डेंजर जोन में पहली दफ़ा गई. खिजरा आप डेंजर जोन में गई हैं कल के अलावा कितनी दफ़ा गई हैं? दो टाइम. ज़रा माइक ऊपर करो. दो दफ़ा गई हैं. कौन से दिन? सेकेंड डे. हाँ. और कल. कल का दिन और उससे पहले एक दफ़ा और जा चुकी हूँ. सेकेंड डे. सो हमने ये फैसला छोड़ा था आप लोगों के ऊपर कि क्या करें. आप कल की परफॉर्मेंस पे गौर करेंगे या आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे? सो आपका जवाब जो आया वो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बता दूं. हाँ. सो एक्चुअली इन दोनों में से अगर हमने कंपैरिजन किया और हमने पब्लिक से पोल कराया तो हमारे पास जवाब ये आया कि हम खिजरा को यहाँ से जाने को कहें. यानी मुस्कान आज के दिन स्टे करेगी और खिजरा जाएगी. मैं तो हुमा से आंखें भी नहीं मिला सकती. हुमा तो हो सकता है कि वहाँ आने से पहले ही चली जाए. उसको बहुत गु़स्सा आए क्योंकि हुमा कल भी बहुत गु़स्सा थी कि मेरी लड़की क्यों सेलेक्ट की, चार लोग क्यों निकाले गए. लेकिन ये पब्लिक का फैसला है, हम इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते. और मुस्कान जो है देखते हैं, तुम्हारे पास आज चांस है. यू नेवर नो, काया कभी भी पलट सकती है अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस आज की अच्छी हुई. सो क्या पता ग्रैंड फिनाले के विनर तुम भी हो सकती हो. सो ये तो सारा नसीब का खेल होता है. आपके टैलेंट और आपके कॉन्फिडेंस पे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. खिजरा तुम बहुत अच्छा काम करती हो और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाबियाँ दें, बहुत आगे लेके जाए. लेकिन सिर्फ ज़रा सी इतनी सी कसर ये रह गई कि बाकी लोगों के मुकाबले में तुम्हारे पास थोड़ा सा भी और प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए. अब ज़रूरी नहीं है अगर 3 घंटे लगा के तुम दुल्हन को तैयार करो, तुम बेस्ट दुल्हन तैयार कर सकती हो. हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब 25 मिनट में मेकअप, 20 मिनट में हेयर, 45 मिनट में दुल्हन को तैयार करना, जो निक सुख से दुल्हन को तैयार करना है, ये एक मुश्किल टास्क है, एक आसान टास्क नहीं है. ये लोग इससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा काम करती हैं सैलॉन्स में, क्योंकि वहाँ टाइम होता है, वहाँ स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होती जो यहाँ होती है. सर पे एक्सपर्ट्स खड़े हैं, कैमरामैन हैं, हम लोग हैं, जल्दी करें ये. सो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि यहाँ पे खड़े होके जो ये कंटेस्टेंट्स मेकअप कर रही हैं, सीरियसली ये एक मुश्किल बात है. मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी. सो आप ये नहीं कह सकते आप कल को आके खिजरा को मिलेंगे, यार तुम तो हार गई. नहीं, खिजरा यहाँ पहुँची है, ये इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. सो खिजरा मैं तुम्हें मुबारकबाद सबसे पहले इसकी दूंगी कि तुम यहाँ पहुँची, इस प्लेटफॉर्म पे तुम 4 दिन तक टिकी रही. 5वें दिन तो सब नहीं निकलना है यार, है ना? आज तो सिर्फ एक बचेगी, सिर्फ एक कंटेस्टेंट 1 लाख रुपये लेके जाएगी. तो खिजरा तुम्हें रो अपने आंसू पोंछ लो क्योंकि तुम 4 दिन तक यहाँ अटल रही, खड़ी रही अपने मेहनत के बलबूते पे. सो तुम बहुत सो से बेहतर हो और देखना तुम्हारा काम और कितना बेहतर होगा. जीतेगा तो एक ही ना रेस में, तो वो चाहे कोई कितना भी अच्छा. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सारे लोग यहाँ पे आएंगे और सिलसिला शुरू होगा ग्रैंड फिनाले का, जिसके जजेज हैं आप. तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, आज ग्रैंड फिनाले है, ये हल्का फुल्का नहीं चलने वाले. व्यूअरशिप, प्रॉपर व्यूअरशिप होनी चाहिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चूलो आसमान सीज़न 2. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज आप देख रहे हैं छूलो आसमान का ग्रैंड फिनाले. और जो विनर होगा आज का, जिसके लिए आप जजमेंट देंगे, उसको 1 लाख रुपए कैश प्राइज ARY की तरफ से मिलेगा यहाँ. और मैं आपको एक दफा याद दिलाती चलूँ कौन कौन सी कंटेस्टेंट्स बची हैं आज के शो के लिए. सो शमीम फयाज, वेलकम. ग्रैंड फिनाले तक पहुँचने के लिए आप यहाँ तक पहुँची हैं, ये भी एक बड़ी बात है. और ये भी आपकी एक काविश है कि एक शमीम फयाज जिसको कोई दुनिया में नहीं जानता था, उसके करीबी लोगों और कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनके साथ आप ज़ाहिर काम करती है, अब शमीम फयाज को पूरी दुनिया जानती है. जी बिल्कुल. सो अगर आज आप ग्रैंड फिनाले में विनर खुदा ना खास्ता नहीं हो पाई, अल्लाह आपको कामयाबी दे, मेरी दुआएँ सबके साथ हैं, तो रोएंगी तो नहीं? नहीं, अगर खुद से आ जाए तो अलग. क्या सोच के आई हो? क्या इंसान अपने आप को तैयार करके आता है कि जीत गई तो क्या होगा और अगर हार गई तो क्या सोचूंगी?
हार गई तो कुछ नहीं होगा, बस वही घर चले जाएंगे खामोशी हाँ. से. और अगर जीत गई तो बच्चे हैं, बेटी है, घर हाँ. के कुछ मसाइल हैं हाँ. और उसके अलावा अपने पॉलर को आगे बढ़ाना हाँ. जो घर के अंदर है उसको बाहर लेके जाना हाँ. तो ये इरादा है. चलें गुड है, आगे बढ़ाएं जी. अनीका, अनीका कैसी हो? अनीका हाशमी पहले दिन बड़ी कॉन्फिडेंट थी और अच्छा काम किया. कभी कभार डगमगाई अगर मैं होल सोल, जाहिर अब आखिरी दिन तक तो मैं भी सबसे वाकिफ हो जाती हूँ. तो अनीका के अंदर क्या जज्बात है आज? जज्बात कुछ नहीं है मैम, चाहती हूँ जीत के जाऊँ क्योंकि मकसद है मेरा जीतना हाँ. और अगर ना भी जीती तो मैं डिसहार्ट नहीं होंगी क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी वेल अपॉर्चुनिटी की बात यह कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ हाँ. इस प्लेटफॉर्म तक और यहाँ तक आई हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और अगर मैं जीतती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वो ड्रीम पूरा होगा मेरी मम्मा के लिए जो मैंने सोचा था हाँ. तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी. चलो बेस्ट ऑफ लक अनीका. हाँ जी, हमारी अगली कंटेस्टेंट है अनमोल आजम. अनमोल, अनमोल थोड़ी शर्मीली सी हैं. यहाँ शर्मीली हुई भी हो या वैसे भी शर्मीली हो? नहीं नहीं, ऐसे हो. ऐसे ही हो. अनमोल क्या सोच के आई है कि आज थकी भी क्यों लग रही है? आज वो एनर्जी नहीं है जो अनमोल के अंदर पहले दिन थी. नींद पूरी नहीं हो रही ना मुसलसल. क्यों, रात को क्या कर रही हो ऐसा? हमारा शो तो सुबह खत्म हो जाता है. मतलब रात के अंदर नींद ही नहीं आती यही सोच सोच के कैसा करेंगे मेकअप हाँ. क्या लुक देंगे, क्या टास्क मिलेगा हाँ. तो इस वजह से नींद ही नहीं आती. तुम्हारा तो, वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, हर किसी का एक सिग्नेचर होता है. अगर आप सबा की ब्राइड देखेंगी तो आपको स्टेज पे बैठे हुए पता चल जाएगा कि ये सैब्स की ब्राइड है क्योंकि उनका एक सिग्नेचर है. इसी तरह कोई और सैलून भी होगा, हुमा का भी एक स्टाइल है, बीनिश का भी एक तरीके का है. सो जैसे लाइक मुझे इतना मेकअप का पता चल चुका है कि मैं स्टेज पे देखी दुल्हन पहचान सकती हूँ कि ओह ये वहां से तैयार हुई. So, तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल क्या है? कर्ल्स वगैरह के, मतलब वलीमे का जो होता है उसके अंदर थोड़ा बाल खुले होते हैं के कर्ल्स वगैरह डाल के सॉफ्ट सा ग्लैम लुक देते हैं कि जो है मेकअप बुरा नहीं लगे. क्योंकि तुम्हारा थोड़ा हल्का सेट हुआ है हाथ जी, कि दुल्हन को तुम थोड़ा सा हल्का लुक लाइट, बहुत तुम ट्रेडिशनल और डार्क पे तुम एक्सपर्टी नहीं रखती. मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें खुद नहीं अच्छा लगता तुम्हारी. लेकिन अगर क्लाइंट बोले तो वो फिर जाहिर सी बातें करना पड़ता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी नेचर भी धीमी धीमी है और आपकी अपनी नेचर का अक्स भी आपके मेकअप में नजर आता है ना जी. ओके जी, सो यहाँ अनमोल के अलावा मेरे पास आयशा खानम है. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह. सब इतने डाउन क्यों हो यार? हाँ नहीं मैम, कॉन्फिडेंट हूँ. हो कॉन्फिडेंट? इंशाल्लाह जीत जाओगी इंशाल्लाह. किसने ज्यादा मॉरल सपोर्ट दिया घर में? घर में सबसे ज्यादा अम्मी. अम्मी ने, अम्मी तो होती बनी मेरी, अम्मी की दुआएं हैं है ना. वो कहती है रात को जब मेरी आंख खुलती है तब भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, रात के जिस भी पहर आंख खुलती है. बस अम्मी की सपोर्ट है, बाकी सब हैं घर में सपोर्टिव हाँ. इंशाल्लाह. जीत गई तो क्या करोगी, हार गई तो क्या करोगी? हार गई तो और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सीखूंगी. वेरी गुड, क्योंकि मैं जो है सीखती हूँ ज्यादा अपनी गलतियों से, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सीखूंगी हाँ. और अगर जीत गए तो ऑब्वियसली जो है सलून जो है अपना और ज्यादा प्रॉपर करूंगी. वेरी गुड, वेरी गुड. चले जी आगे बढ़ती हूँ. और जो मेरी फाइनल यहाँ पे दो रह गई हैं लड़कियां, मुस्कान आ गई है वापस. पता नहीं मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान आई है, एटीट्यूड चेक करें ना मुस्कान का. ओहो शो के बाद जो कल इसने शोर मचाया, मैं रिकॉर्डिंग है मुस्कान मेरे पास, बोलो तो मैं दिखा दूं. पंगा ना लेना इस मुस्कान से. अरे ये बड़ी झल्ली है, ये मुझे अच्छी लगती है ऐसी लड़कियां जो मेकअप ना मेरा पैशन है. मैं बहुत क्रेजी हूँ मेकअप के मामले में, मैं अपने सैलून के मामले में बहुत ज्यादा. इवन मैं ऐसी क्रेजी ना हो कि तुम हैदराबाद के वहाँ पागलखाने पहुंच जाओ. नहीं सोच लो मैम, मैं अपने लाइफ के अंदर कोई एक्स्ट्रा रिलेशन तक नहीं आने देती जो मेरे एक्स्ट्रा रिलेशन से मुराद एक्स्ट्रा ही होता है वो है जो एक्स्ट्रा. जरा मैं अपने इंट्रोड्यूस कराऊं मेंटोर्स को ताकि उनकी हंसी, ताकि उनकी एंजॉयमेंट में दिखा सकूं. मुस्कान एक एंटरटेनर के बारे में कल फिर हंसाती हूं आपको. सबा, बीनिश एंड हुमा वेलकम टू द शो. थैंक यू, थैंक यू जी. क्या बताएं जरा, कल तो मुस्कान जो जब वहां खड़ी भी थी हम हाँ. तीनों यहाँ बात कर रहे थे, मैंने कहा ओ माय गॉड मुस्कान तो इतने गुस्से में और इसने यूं स्टिफ किया हुआ था अपने आप को, मुठियां बनती. मैंने कहा मुस्कान हल्क बन गई है, डर के रहो. मैंने कहा she is looking like a hulk. She said to me and she was like she's gonna kill you, she's gonna kill you. नहीं नहीं हुमा तुम बताओ, तुम
आज गार्ड्स वगैरह सब खड़े करके सोई थी घर पे बाहर? नहीं, एक्चुअली निदा, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ ऑनेस्टली. कल से मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो ये कि ठीक है, मुस्कान के लिए कल कॉल सबसे ज्यादा नेगेटिव आई थी. और मुस्कान, जाहिर है, आई डोंट नो, इसने शो के बाद इमोशनली मुस्कान और दोनों के लिए, इज़रा के लिए भी, दोनों के लिए आई थी, इसलिए हम फंस गए थे कि हम करें तो क्या करें. तो मैं समझ सकती हूँ कि फेसबुक पे भी लोगों के कमेंट्स आए होंगे और कहा होगा कि खिजरा जो है वो ऑलरेडी डेंजर जोन में रही. लेकिन मुस्कान ने अगर शो के बाद कल हंगामा मचाया या रोई या कुछ भी इसने पील्ड आउट किया, वो जरा थोड़ा सा फिर आ जाता है नेगेटिविटी में. मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ नेचर का मुकाबला नहीं है. बिल्कुल, यहाँ इनमें से कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, यहाँ मुकाबला है आर्ट का. देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. लेकिन और आपकी ये क्लेरिफिकेशन वैल्यू करती है. बिल्कुल, आप जिस तरह का बात कर रही हैं ना, ये 100% सही है, क्योंकि खिजरा भी यहीं कहीं मौजूद होगी, सुन रही होगी. अगर मुस्कान जबान की बदतमीज होगी, काम इसके पास काम नहीं आएगा, चाहे कितना अच्छा इसके काम होगा. बिल्कुल, सब आप बताएं. बिल्कुल, अगर ब्यूटिशियंस, अगर मेकअप आर्टिस्ट, अगर डिजाइनर्स, अक्सर ऐसे बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं जो बहुत अच्छा जगह काम है, जबान की वजह से वो क्लाइंट को देते हैं. मेरी टीम में भी जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं उनको हमेशा ये बताती हूँ कि अपने एटीट्यूड को घर पे रख के आओ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वंस वी आर देयर विद द क्लाइंट, क्लाइंट इज ऑलवेज right and we have to listen to her. जी, जी. ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट को हम कह दें कि तुम गलत हो. और सर्विस इंडस्ट्री है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री ये तो चलती ही मोहब्बत से है, रिलेशनशिप से चलती है, बातचीत से चलती है. आपकी जुबान जितनी मीठी होती है, आप जितने हम्बल होते हैं, आप जितने प्यार से क्लाइंट को डील करते हैं, उतना ही क्लाइंट अट्रैक्ट होके आता है. तो मुस्कान को मैं भी बावर करा दूं, जो उसने हंगामा कल मचाया, या जो उसकी आंखों का स्टाइल है ना, जो टीचर के सामने नहीं करते अगर नंबर खराब आ गए वाला. और ये कहती है, ये भी तुम्हें चेंज करना है. मुस्कान का एक होता है, हाउ डेयर. देखिए वाला, ये सारी कॉन्वर्सेशन, एक सेकंड एक सेकंड, ये सारी कॉन्वर्सेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं, उनके ताकि दिलों में कोई बात ना रह जाए. exactly. देखिए, हमारा किसी से पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है. हम तो सिर्फ काम से आए हैं. बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं, काम से आए हैं. यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं है, तो प्लीज आज के लिए भी आपकी जीतने की जमानत है. माइक आगे बढ़ाओ जरा इफ्रा की तरफ. जी इफ्रा, क्या हो रहा है दिल में? मुस्कान फोन बंद कर दो. दिल तक तक हार्ट बीट फास्ट हो गई है. फास्ट हो गई है? ड्रिप लगवा के आई हो सुबह? नहीं, 1 मिनट में 72 तो है नहीं. मैम निदा, मैं कह रही हूँ 1 मिनट में 72 बिट्स होते ना, 100 बिट्स ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो गई है. अल्लाह अल्लाह. तो क्या लगता है तुम्हें, जीतोगी? और अगर जीतोगी तो क्या करोगी? हार जाओगी तो क्या करोगी? कोशिश तो है 100% के विन करूं. अगर नहीं भी कर पाई तो नो इशू, इस प्लेटफॉर्म में आना और ये लास्ट स्टेज पे. देखिए, कुछ भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज कंटेस्टेंट्स है, लेकिन ये 6 की 6 तो नहीं जीत सकते. exactly. ऐसा नहीं है कि 6 टैलेंटेड नहीं है, अपने अपने तरीकों में टैलेंटेड है, मगर जीतेगा तो कोई एक ही ना, और जो जीता वही सिकंदर. आइए जी, शुरुआत करते हैं हम. सबसे पहले मॉडल्स का सिलसिला होगा. मजे की बात यह है, मैं क्या सारी मॉडल्स एक साथ लाऊं या क्या? हाँ, ओके. अच्छा जी, आज का टास्क मेरे जजेस को भी नहीं पता. जजेस, आज ये कोई किसी की लड़की नहीं है. आज ये सब मिक्स हो चुकी है, कोई ना उमा की, ना इनको बताएं, ना सबा की. ये इनको बताएं, मैं सबको बता रही हूं. तुम लोग लड़ाका चुप हो. मैं तो अब इससे बात ही नहीं कर रही. आज पहली दफा हम ग्रैंड फिनाले में इस तरह का टास्क दे रहे हैं. हमेशा हमने ऐसा किया है कि वलीमा ब्राइड और एक निका रुखसती ब्राइड. आज हम पहली दफा मायो एंड वलीमा ब्राइड, यानी दोनों जमीन आसमान, टोटल ऑपोजिट, टोटल ऑपोजिट. ठीक है ना? तो आपका अगर काम नो मेकअप लुक वाली चीज, आपका वो कैसा है, और आपको एक पूरा वाइब्रेंट एक वलीमा ब्राइड तैयार करनी है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस तरह का आई शेडो लगाना है, स्मोकी करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप अपना
बेस्ट ऑफ दिखाएंगे आज. आज हम आपको मौका दे रहे हैं जिस चीज में आपको गारंटीड सब कहते हैं वाओ यार ये वाला मेकअप आपका फंटास्टिक है, आपने वो जौहर अपने दिखाने हैं हमारे जजेस को. सो हमारे ये तीन जजेस बिल्कुल ऐसे अजनबी हो गए, आज आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे. अजीब लग रही हूँ मैं, पहले बांट दूँ दो मटके लेकर, ये लो पकड़ो जल्दी जल्दी. आज ये लोग कोई हेल्प नहीं करने वाले, बल्कि ये लोग जो है. अच्छा तो निदा पहले कौन सा मेकअप होगा, पहले माइयों फिर मैं? जरा पर्चियां मिल जाए फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि उश चल गई मेरी, इतने बड़े पाइचे हाथ चलो ये भी लेती जाओ, यहाँ से भी ले लो साथ ही. अच्छा मेकअप दो हैं और दो मेकअप्स के लिए मैं आप लोगों को 30 मिनट का, आपको नहीं सॉरी तुम्हें लेना है, दो मेकअप्स के लिए मैं आपको 30 मिनट का टाइम दूंगी. मजे की बात यह है कि दोनों मेकअप्स एक साथ ही बिठा के करने. जी यही तो बात है. ये दूसरी. सो मायो और वलीमे की मैं बांट चुकी हूँ. अपनी अपनी मॉडल जोर से आवाज अपने पेट से आवाज निकलनी चाहिए जरा, आज इतना कॉन्फिडेंस. जल्दी जल्दी स्पीड अप, टाइम शॉर्ट है, मुकाबला सख्त है. आज का शो गौर से देखना है क्योंकि जजेस हैं आप लोग. अभी रुको प्लीज, मेकअप शुरू नहीं करना जब तक मैं आवाज ना लगाऊं. हाँ अपने ब्राइड्स को एप्रन्स पहना दे. माइयो और वलीमा की ब्राइड एक साथ मेकअप का टास्क दूंगी, 30 मिनट्स का टाइम है, आपने बैलेंस करना है, आपकी मर्जी है दोनों का मेकअप एक साथ शुरू करो, एक खत्म करो, दूसरा शुरू करो, जैसे करना है जिस तरह करना है आपके ऊपर है. सिर्फ फर्क जो बाकी दिनों में और आज के दिनों में फर्क ये है कि रोज आपको 25 मिनट दे रहे थे हम मेकअप के लिए, एक मेकअप के लिए, आज आपको 15 मिनट मिल रहे हैं एक मेकअप के लिए. अब उसको किस तरह डिवाइड करना है ये आप लोगों की अकलमंदी है. सो आज बातें बंद, मुकाबला शुरू. 30 मिनट का टाइम है फॉर टू मेकअप्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाय थोड़ी जेंटल होगी, थोड़ी मेंटल होगी, स्टड मेरे जैसा हो तो हैंडल होगी, कोई हूर होगी आओ मंजूर होगी, एक बल भी आंखों से ना दूर होगी. ओ बन के मेरी हीर तकदीर जो मिल जाए आजा मैं बन के मिला हाँ. बेबी हो ऐसी जो लव यू कह के शर्माए मैं लुक देंदा रवा. ओ जट एवी तेने कहदा होया प्यार करू कर टुंडांगडा टांगडा टुंडांगडा सारे पिंड दा मैं सुपर स्टार करू कर टुंडांगडा टांगडा. जी जनाब 28 मिनट्स 49 सेकंड्स का आपके पास टाइम है. दो दुल्हने आपके पास हैं, एक मायो ब्राइड एक वलीमा ब्राइड. अपना बेस्ट ऑफ आपने देना है ग्रैंड फिनाले में और आप लोगों ने एक एक मिनट को भी हाथ से जाने नहीं देना क्योंकि आप लोग जजेस हैं. सही तौर पे जजमेंट करनी है. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और फिर आपको कुछ सिखाऊंगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2. देख रहे हैं छूलो आसमान सीजन 2. आज है ग्रैंड फिनाले, 21 मिनट 27 सेकंड का टाइम है. दो दो दुल्हन है, सबको तैयार करनी है. एक मायो की दुल्हन है, एक वलीमा की दुल्हन है. आपको एक ही कंटेस्टेंट के दो डिफरेंट रूप यानी दो डिफरेंट मेकअप्स देखने का मौका मिलेगा और साथ साथ हम वो कहते हैं ना कि एक जब तक ये तैयारियां कर रही हैं अपने मेकअप्स कर रही हैं हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, लेकिन हम हुमा को छेड़ने वाले हैं कि आओ
आके थोड़े अपने जौहर दिखाओ, तुम क्या सिखाओगी आज पब्लिक को? मैं सिखाना चाहती हूँ अबाउट लिपस्टिक. ओके. आप जब लिपस्टिक लगाएं तो अपने, जो मैंने देखा है मेकअप में, यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा कर देते हैं कि अगर किसी के लिप्स हैवी हैं तो उसको छोटा क्यों कर देते हैं समझ नहीं आती, जबकि आपको फुलर लिप्स दिखाने चाहिए. अच्छा, वो क्या गड़बड़ करते हैं? अगर किसी के लिप्स अच्छे हैवी हैं तो वो क्या छोटा क्या करते हैं, वो किस तरह करते हैं? आप मेजॉरिटी मेकअप आर्टिस्ट का अगर आप काम देखें तो उनके ना जो लिप, हमारी जो नेचुरल लाइन है लिपस्टिक के नीचे से, वो नेचुरल लाइन दिख रही होती है और उसके ऊपर वो लिपस्टिक लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपर लिप की शेप बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आप उसको ऐसे थोड़ा देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके लिप्स कभी भी इक्वल नहीं होते. कभी लोअर लिप आपका बड़ा होता है, अपर लिप आपका थोड़ा सा थिन होता है. सही. तो उन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. मेजॉरिटी क्या करती है कि लोअर लिप को थोड़ा डीप कर देती है और अपर लिप को जैसी उसकी नेचुरल शेप होती है उसको वैसे ही रख देते हैं. तो कई दफा पूरे मेकअप का आप विजुअल इफेक्ट देखें तो वो लिप्स पे आके थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ये कुछ मिसिंग है, क्या है. तो अगर आप लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें तो उसमें सबसे पहले तो आप उसकी आउटलाइन बना के उसको पहले फुल शेप आप देखें कि हर लिप की शेप डिफरेंट होती है. आप लिप्स को देखें, हर लिप्स अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाए. अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज सीखनी है. आमतौर पे जब एक आम औरत सब्जी फलाना ढमाका ये सब कुछ लेने जा रही है तो बेस नहीं लगाती, वो लिपस्टिक जरूर लगाएगी. वो लिपस्टिक लगाएगी, हल्का फुल्का ब्लश ऑन लगा ली तो लगा ली, उसके बाद वो निकल जाएगी, चाहे वो मार्केट जा रही है कहीं, बगैर बेस के. एक अच्छी लिपस्टिक अगर आप लगाना सिखा दें, जैसे लाइक बीनिश के होंट है, मुझे लगता है कि अगर बंदा ऐसे लिप्स हो तो बस, या सबा के भी हैं मोटे मोटे, तो इसको तो बीनिश के अगर आप लिप्स देखें तो इस पे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी शेप है. नहीं, पर इस पे कभी कभी व्हेन यू आर यूजिंग द लिटिल ब्राइट एंड डार्क कलर तो बहुत एहतियात करना पड़ता है, बिकॉज़ ऑलरेडी इतने बड़े हैं तो फिर वो यू नो. देखिए, अभी इन्होंने डार्क लिपस्टिक लगाई है ना, पूरे फुलर लिप्स बनाए इन्होंने. ये नहीं किया कि मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज इन कर दूं. अगर ये ऐसा करती तो इनके आउटर लिप की एक लाइन नजर आ रही होती, ठीक है ना. इसी तरह से अगर आप देखिए, इन्होंने सेंटर को हल्का सा सॉफ्ट रखा है ताकि पूरा लिप जो है उसका बैलेंस नजर आए, क्योंकि अपर लिप एंड लोअर लिप की शेप जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हुई है ना. आप आके थोड़ा सा अपना अपने जौहर अपने टीचिंग से, हमें समान नहीं है, समान पीछे रखा हुआ है. फुलर लिप्स हो या है समान रखा हुआ है, कुछ चाहिए तो बता दें, आवाज दे बाबुलंद, लिपस्टिक निकाल देंगे. ये देखें, ये पूरा एक पाउच है. ठीक है, लिपस्टिक सही चीजें हैं, सही बस सही है. तो जो आपकी क्लास शुरू हो रही है, 18 मिनट लिपस्टिक निकालने के लिए कुछ चीज मिल जाएगी, कुछ ये है वाइप कुछ क्या चाहिए मुझे बताएं, जो चाहिए वाइप चाहिए. I just want to remove the lipstick. अच्छा, वाइप चाहिए, वाइप्स प्लीज, मेकअप वाइप्स, रिमूवल वाइप्स. ये आपका वो है. तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बीनेश और सबा जब तक ये अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं, माइयों की जो दुल्हन होती है क्या डिमांड करती है वो आके कि मुझे किस तरह का मेकअप चाहिए? माइयों तो बहुत ही ज़्यादा नो मेकअप टाइप इफेक्ट होता है, फ्लॉलेस स्किन हो गई, हल्का सा लिप टिंट हो गया, ब्लश ऑन हो गया, वेरी स्लाइट मेकअप, आईब्रो शेपिंग अच्छी सी कर दी है ना. बिल्कुल. और मेरे पास जब माइनियों की ब्राइड्स आती हैं तो इनकी वाहिद एक डिमांड होती है कि उनको बहुत अच्छी ग्लोई डोई स्किन चाहिए होती है. अच्छा, एक मुझे बात बताएं, बेस लगाने से पहले आपको लगता है कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे शिमर टाइप चीज स्टिक आती है या इल्यूमिनेटर्स? इल्यूमिनेटर्स कभी नहीं लगाना चाहिए. हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ. आपको फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट करना चाहिए और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करना चाहिए. दैट्स इट. यानी आपको कहने का मकसद है पाकिस्तान में इतनी गर्मी है जी कि आप वो अंडर द बेस ना अप्लाई ना करें. आप 2-3 दफा अपना जो कुछ ना कीजिए, कोई मैं किसी प्रोडक्ट का नहीं, बहुत नेचुरल चीज़ का बता रही हूँ जो बहुत इजीली कॉमनली अवेलेबल है, दैट इज़ रोज़ वाटर स्प्रे में आने लगा है. अब मैं ब्रांड्स ही बता सकती कि हर जगह पे स्प्रे फॉर्म में मिलने लगा है शॉप्स के ऊपर. ओके. आप उसको 2-3 दफा करें, लेट इट गेट ड्राई, उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लेके अच्छी तरह से स्किन को अपनी मॉइस्चराइज कर लें और फिर उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करें. दैट्स इट. यू डोंट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ, वो जो शिमरी एक जो बेस के नीचे लगा देते हैं ना चीज़, वो बहुत बुरी लगती है और वो
फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ऑक्सीडाइज कर देती है आपके फाउंडेशन को. सही है. तो वो बड़ा अजीब मेला मेला सा लुक देने लगती है. कभी कभी उसकी वजह से आपकी बेस भी ग्रे लगने लगती है. ग्रे लगने लगती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो मेला मेला लगाती है. इल्यूमिनेटर्स में शेड्स आते हैं. कुछ पिंक टोन्स में होते हैं, कुछ थोड़े से सिल्वरी टोन में होते हैं, आपने देखे होंगे, कुछ गोल्ड व्हाइटिश गोल्ड टोन भी होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली ये तीन शेड्स जो इल्यूमिनेटर्स के ब्रांड्स निकालते हैं वो बेसिकली एक गोरे के लिए, एक सांवले के लिए और एक व्हाटएवर. सो टेक्निकली हर मेकअप आर्टिस्ट या हर वो औरत जो घर में बैठ के अपना बेस लगा रही है उसे ये तो नहीं पता ना कि कौन सा इल्यूमिनेटर उसकी अंडरटोन को सूट कर रहा है. सो यूजुअली लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो रॉन्ग अंडरटोन के हिसाब से अपना इल्यूमिनेटर उठाते हैं और फिर वो लगा लेते हैं. नंबर वन. नंबर टू, इल्यूमिनेटर स्क्रीन के लिए नहीं है. इफ यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन एक्टर, आप इल्यूमिनेटर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते. फोटोशूट्स वगैरह पे फिर थोड़े कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, या नॉर्मल लाइफ में अगर आप ब्रंचेस के लिए या डे वेयर का पतला फाउंडेशन है उसमें आप एक ड्रॉप मिला सकते हैं. बट देन अगेन यू हैव टू नो योर शेड ऑफ इल्यूमिनेटर्स. ओके बीनिश, अब मैं आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है. अब मैं लिपस्टिक की तरफ आ रही हूँ. जैसे कि ये बता रही थी वो वाला चीज, जवाब तो हमें मिल गया आप लोगों से. अच्छा देखें, अब आप जरा क्लोजअप में देखें तो आप देखेंगे कि आपका नाम क्या है बेटा? फरा. के लिप्स की शेप क्या है? हम देखेंगे कि इनका लोअर लिप जो है इज वेरी फुल, और ऊपर का जो लिप है अपर लिप उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे इट्स ब्रॉड. हमें जो अक्सर हमने देखा है कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप नेचुरल लिपस्टिक लगा रहे हैं, लोग ग्लॉसी लिपस्टिक भी यूज करते हैं और मैट भी यूज करते हैं. तो ग्लॉसी लिपस्टिक आप पर्सनली अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट की प्रेफरेंस ये होती है कि वो लिपस्टिक पहले लगा ले मैट और उसके बाद ग्लॉस को एड इन कर दे ताकि उसका कंट्रोल रहे शेप के ऊपर सब पे. तो फरा के जो लिप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फरा के लिप्स की हम अपर लिप की शेप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ से थोड़े से ब्रॉड है, तो हम इनको अपर लिप की जो शेप है उसको उसको नहीं छेड़ रहे आप, उसको हम स्क्वीज इन कर रहे हैं. अच्छा, वही रख रहे हैं क्योंकि वो हाँ अपर लिप का जो वी बना होता है, जो ऊपर का पॉइंट है जो उसका, वो थोड़ा सा ब्रॉड है. ओके, हम उसको स्क्वीज इन करके थोड़ा इन कर रहे हैं ताकि इसके लोअर लिप के साथ इसकी शेप इक्वल हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं इसकी आउटलाइन अभी छोड़ूंगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि अगर मैं इसके लिप्स को कम करूंगी तो इसकी आउटलाइन कैसे दिखेगी और स्किन के ऊपर फिर फाउंडेशन उसको कैसे कवर करेंगे. मैं पहले इसकी एक रॉ शक्ल बना के दिखा रही हूँ ताकि इसकी ओरिजिनल शेप सबको समझ में आ जाए. हाँ. देखें अभी आप उसके जो एक्चुअल लिप्स हैं, एक्चुअल लिप्स हैं, मैं उसको एग्जैजरेट नहीं करूंगी क्योंकि पहले हम देखेंगे लिपस्टिक लगा के कि देखें हमारे पास असल में नेचुरल शेप में क्या है और इसको फिर हमने कैसे ड्रॉ करना है. मैं अगर इसकी शेप देख रही हूँ तो देखें इसके अपर लिप की सिर्फ इतनी सी शेप है ना, और बाकी जो लिप है वो इनवर्टेड है, अंदर की तरफ है, मुड़ा हुआ है. जैसे लाइक मेरे अपने भी जो लिप्स है ना वो इसी तरह के हूँ, कि जब मैं हंसती हूँ या बोलती हूँ तो ये गायब हो जाते हैं. तो मुझे एलैबोरेट थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ता है. अब ये देखिए जिनका लोअर लिप है इज परफेक्ट शेप है इसकी, बिल्कुल लोअर डीप, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त. लेकिन जो अपर लिप है, आप उसको गौर से देखें तो उसकी शेप आपको नज़र आ रही होगी कि सिर्फ एक छोटा सा एक उसका हिस्सा है. अब उसके हमने साइड्स पे उसको ड्रॉ करना है ताकि हम ड्रॉ करके उसको बना सकें. थोड़ा सा मतलब देखें ऐसे आराम से लिपस्टिक लगाने के लिए भी आपको बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है क्योंकि लिपस्टिक मेकअप करने के बाद सबसे लास्ट में लग रही होती है और अगर वो फैल जाए तो उसको फिर बार बार आपको साफ करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है. और बेस्ट चीज़ ये कि अगर आपके पास कॉटन बर्ड्स हैं, क्यू टिप्स हैं, तो आप हमेशा अपने साथ रखें. क्यू टिप्स के ऊपर फाउंडेशन लगा के आप उसको एज अ रिमूवल उसके करने के लिए, उसकी शेप को ठीक करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा हुमा, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम हल्के हल्के धीरे धीरे तुम आगे अपर लिप्स जो है थोड़ा बढ़ाती जा रही है ना. मैं उसकी जो कोने के बेसिकली हमारे पास दोनों नजर आ रहे हैं, एक तरफ भी आ रहा है दूसरा तरफ जो नेचुरल है. सो ये देखें हुमा किस तरह उसको धीरे 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 करके जहाँ से होंठ गायब है वो बढ़ा रही है. बेसिकली मैं इसकी जो जो कॉर्नर है, लिप के कॉर्नर्स हैं, क्लोजिंग कॉर्नर्स, उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर थोड़ा सा बना रही हूँ उसको ताकि ये देखिए इसका जो सेंटर लिप है ना वो इंतहाई खूबसूरत शेप है. बस थोड़ा सा उसका जो स्क्वीज्ड कॉर्नर्स है उसको मैं थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड में लेके जाऊंगी, उसको मैं बाहर थोड़ा सा निकालूंगी और साथ साथ में लोअर लिप को भी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे इतना पता हो कि मैंने ऊपर की जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कहीं मैं ओवर तो नहीं कर दूंगी. कई दफा ये होता है कि लोग अपने लिप्स को बैलेंस करने के लिए अपर लिप को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो कई दफा ना मैं उसका मजाक से कहती हूँ बत्तख लगते हैं, बत्तख भी लगते हैं, मछली
अजीब ही लगता है. तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना हाँ. बहुत जरूरी होता है हाँ. क्योंकि आप देखें कि आपके अच्छा खुद से अगर आप नहीं कर सकते ब्रश से, मेजॉरिटी मैंने देखा है खवातीन को लिप ब्रश यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती. तो मैं ये कहती हूँ जी आप लिप पेंसिल्स ले लें, आप 12 कलर्स ले लें लिप पेंसिल्स के, और आप अपने लिप्स की शेप को हमेशा पहले आप उस पेंसिल से ड्रॉ कर लें. फिर आप अगर पेंसिल ले लें तो आपको लिपस्टिक लेने की जरूरत भी नहीं होती. आजकल पेंसिल्स का पिगमेंट बहुत अच्छा आया हुआ है. मैं करूं ये देखें, ये करके अब देखें मैंने जब इसके लिप को एग्जैजरेट किया है तो इसके लोअर लिप की मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये लाइन मिस कर दें तो आप जब मेकअप का जो विजुअल इफेक्ट आता है ना, विजुअल इफेक्ट, वो बहुत ही खोलें बस बस बस. अच्छा अब मैं इसकी लिप को ड्रॉ करने लगी हूँ. ठीक है लड़कियों, 10 मिनट 19 सेकेंड्स रह गए हैं. 10 मिनट 19 सेकेंड्स. आज तो दूध का दूध और पानी का पानी. कोई टास्क नहीं है, सिर्फ जल्दी वाला टास्क है. आपका अपना मेकअप होना चाहिए जो आप जिसमें एक्सपर्ट हैं. अच्छा अब ये देखिए जैसे करते करते एक राउंड लग रहा है, दूसरा अब वो भी बैलेंस होगा. हाँ है ना. और अभी मैं लाइट कलर यूज कर रही हूँ, एक दफा हाँ. मैं लाइट कलर को ऐसा बेस यूज करूंगी, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से आउटलाइन डार्क कर सकते हैं. डार्क करके हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं. लिप पेंसिल से आप ओम्ब्रे लिप्स का बहुत फैशन था बीच में, उसमें आपके पास अगर लिप कलर्स नहीं है लिपस्टिक्स के नहीं, पेंसिल्स के साथ आप बेहतरीन ओम्ब्रेज बना सकते हैं. बेसिकली अब उसको ओम्ब्रे कहते हैं. अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो ये हमारे बड़े फैशनेबल लिप्स होते थे, आउटलाइन डार्क होती थी, मोटा लिप्स लगता है ना. हाँ और इनर लिप जो था, इनर लिप जो होता है, लिप्स जो होते हैं उसमें आपने लाइटर कलर यूज किया होता है हाँ, और हाँ. आपका आउटर लाइन जो होता है वो बहुत डार्क लाइन होता है हाँ. और उसको ब्लेंड नहीं करते हाँ. ओके सही. यानी कि जो हमारी कंटेस्टेंट्स रोज गलतियां कर रही थी, क्योंकि वो लिपस्टिक आखिर में लगाती हैं, उनके पास टाइम कम होता है तो वो लिप को वो फोकस नहीं दे पाती. अब कल रेड लिप्स बनाए हुए थे, किसी के भी ऐसा नहीं थे जिस पे ये तारीफ कर सकें कि वाओ क्या लिप्स बनाए. सब ने लिपस्टिक्स जो हैं वो बस जल्दी जल्दी में लगाई थी और वो एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा था. और आपको पता है जब आप लिप कलर लगा रहे होते हैं, जिसका आप लगा रहे होते हैं उसके बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, कि जब हम मुंह खोल देते हैं लिपस्टिक लगाते लगाते चिन अप कर लेते हैं, यू नो नेचुरल चीजें हो रही होती हैं. अगर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सबा बीनेश मुझे ये बताएं, जब तक हम यहाँ बिजी हैं, आप लोगों को इन 4 दिनों में हेडलाइंस मुझे बताएं जो आपको गलतियां नजर आई इन लोगों के मेकअप्स में. किसी का नाम लेके ना बताएं. जनरली मुझे लगता है कि बहुत वाइड बेस लगाने की आदत है सारे मेकअप आर्टिस्ट को. करेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, ग्रे कर देते हैं. जब फाउंडेशन का शेड चूज कर रहे हैं तो स्किन की अंडरटोन को नहीं देखा जा रहा. एक सवाल मेरा आप लोगों से भी, करेक्टर वो चीज होती है जो कंसीलर के नीचे लगती है, मगर उसके भी अलग अलग शेड्स होते हैं, येलो, पीच, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज. मोस्टली जो हमारी स्किन टोन्स हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर मोस्टली निदा जा रहा होता है ऑरेंज. अच्छा देखिए ऑरेंज के भी तो शेड्स है ना, डार्क लाइट, लाइट पीच, डार्क एंड लाइट बोथ. जिस टाइप की हमारी अंडरटोन्स हैं स्किन की, उस पे मोस्टली ऑरेंज टोन्स जा रहे हैं. आपको लगता है जिनका रंग थोड़ा ज्यादा मतलब लाइक डार्कर है उनके लिए आप ऑरेंज प्रेफर करेंगे, जो थोड़ा हल्का हल्का गंदुमी की तरफ आएंगे उनके लिए आप पीच प्रेफर करेंगे, पीची, और जो थोड़ा और थोड़ा सा फेयर की तरफ आएंगे तो आप येलो प्रेफर करेंगे. येलो ऐसा है. कभी कभी रंग से ज्यादा मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी बहुत गोरे भी होते हैं हमारे लोग या बीटर्स होते हैं, मगर उनके कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डार्क होते हैं, स्पेशली टी जोन पे प्रॉब्लम आ रही होती है. ये मैं डेली बेसिस पे ये वाला पार्ट होता है लिप्स के अराउंड, और एक फोरहेड होता है. डार्क सर्कल्स किसी के बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं. अच्छा उससे अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपको बेसिकली करेक्टर की क्या टोन चाहिए. बिल्कुल. तो अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया दें आप कि अगर एक डार्क कॉम्प्लेक्शन है और जाहिर है उसके मुंह पे हल्की हल्की छाइयां भी हैं और ये वाली चीज और डार्क है, तो आप उसमें क्या कलर इस्तेमाल करेंगे? आप पहले ऑरेंज करेक्टर देंगे. हाँ, ऑरेंज करेक्टर दे दिया हाँ. और फिर उसके बाद जो उनकी स्किन से 2 टोन मैक्स आप ऊपर जा सकते हैं उपर. इस तरीके से ये जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक लोग कर रहे हैं, जैसे आइवरी और पोर्सलिन वाइट कलर जो है वो हर लड़की हर मॉडल पे लगाया जा रहा है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट,
ये नहीं देखा जा रहा कि उस बच्ची को आइवरी या पोर्सलिन लगेगा या नहीं लगेगा। अगेन ये वही वाली बात है जैसे हुमा ने उस दिन मेंशन किया था कि सर्टेन मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने ट्रांजेक्शनल वीडियो बना के लोगों को इंस्पायर किया हुआ कि जी सांवली लड़की और फिर जब वो ब्राइड बनी तो वो पोर्सलिन की गुड़िया बनी। उनको ये नहीं पता होता कितने फिल्टर्स लगाए हुए हैं। सो दे नहीं एंड देन बेस भी उस लेवल पे गोरा किया हुआ होता है। तो ये जो रिवाज है मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये इट्स यूजलेस। और मजे की बात यह कि तकरीबन यहाँ हमारी जितनी बच्चियाँ आई हुई हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं। तो ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है जो वो कर रही हैं। उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या अंडरटोन है, ऑलिव है, पिंक है, येलो है, बेस को वीटिश रखना है, लाइट वीटिश। अच्छा वीटिश में भी लाइट वीटिश है, डार्क वीटिश है, मीडियम वीटिश है, सो मेनी शेड्स, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर। नाउ मुझे ब्रेक पे जाना है, 5 मिनट 17 सेकंड्स का टाइम है। इस ब्रेक के दौरान ही मैं टाइमर को बजर को बजाऊंगी और आप लोग सब रुक जाएंगे और उस ब्रेक के दौरान ही क्योंकि टाइम शॉर्ट है हेयर का टाइम भी दे दूंगी। हेयर में भी हम 30 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं क्योंकि दो हेयर होंगे ऑब्वियसली। आज मेकअप में आज बार बार आपको बता रही हूँ मेकअप और हेयर हम दोनों को जज करेंगे क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जजेस की जॉब को बाखूबी निभाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। 1,00,000 रुपए किसे मिलेंगे? सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले और सीजन 2 जो है इसमें हम जो विनर होगा उसको देंगे 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज। 23 मिनट्स का टाइम रह गया है हेयर का, मेकअप, हेयर, ये सब तकरीबन 1 घंटे का टाइम था। 30 मिनट में आपने 2 ब्राइड्स का मेकअप करना था और 30 मिनट में आपने 2 हेयरडूज करने। मुझे देखकर आज ये हो रहा है कि गिलो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगे लेकिन आज ये अपना खुल के खेल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि 22 मिनट बाद इनके करियर्स का फैसला होने वाला है और इन 6 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक होगा जो आज विनर करा दिया जाएगा। लेकिन सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बड़े मज़े मज़े से सब मेकअप कर रहे हैं और खुल के खेल रहे हैं आज। अच्छा हुमा ने लिप्स दिखाए, आप ये देखिए हमने तुमने बनाया, देखिए लोअर लिप के इक्वल अपर लिप को बनाया है। जो हमारा लोअर लिप है इनका, फरा का लोअर लिप जो है थोड़ा सा ब्रॉड है। अच्छा पता है क्या लग रहा है अगर मैं ऐसे देखूँ ना कि वो जो क्या कहते हैं फिलर ऑगमेंटेशन कराई है लिप्स पे ना, लेकिन वो लिपस्टिक से ही होगा, तुमने शक्ल तब्दील कर दी, थोड़ा सा हमने इसको फिल कर दिया। आजकल ऐसे ही ट्रेंड चला हुआ है ना लिप्स का। सो ये देखिए भाई, ये यहाँ पे हमने चेंज करने के लिए बिठाया हुआ है। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी मॉडल की आंखें देखें जरा क्लोज करें, अब आंखें खोलो, अब ये इतनी प्यारी इसकी आंखें लेकिन क्या है, ड्रूपी आईज है, पूरी झुकी हुई आंखें। अब मैं बीनेश को बुलाऊंगी, आप बीनेश तुम आओ, हमारा तुम उधर चली जाओ, तुम्हारे हो गया काम। बीनेश मुझे कुछ लाइनर लैशेस कुछ ऐसा करो कि इसकी आंख अपलिफ्ट कर सको ताकि हमारी ऑडियंस भी सीख सके कि अगर उनकी भी ड्रूपी आंखें हैं और ये तो वे पैदाइशी होती हैं जाहिर है, तो किस तरह चेंजेस आ सकती हैं मेकअप के थ्रू ताकि उधर आंख खुली खुली लगे। आंखें बड़ी है इसकी लेकिन ड्रूपी है, उसका शेप ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 21 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास और मैं तो आज ये हैरान हो रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंटेस्टेंट्स जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा मेकअप करेंगी, आज वो बड़ा अच्छा दिखा रही हैं करिश्मे अपने, जबरदस्त भाई। वाओ बीनेश रेडी हो तो बताना, मैं जरा एक चक्कर मार के आऊं, सबको दिखाती जाऊं। ये अच्छा किया इसने बेटा, आपका नाम क्या है? नहीं आपका नाम क्यों पूछेंगे? इफ्रा ने ये बहुत अच्छा मेकअप किया, बंद करो आंखें खोलो। आई लाइक इट, आई मेकअप इज गुड। आज आज आपको सबका इंशाल्लाह नजर अच्छा लगेगा। मेकअप आज बहुत मुश्किल काम है, कितनी जल्दी दो दो लोगों को तैयार करना है, लेकिन भाई मैं तो हैरान हो रही हूँ। अच्छा पता है
सबको लग रहा होगा कि माइयों का मेकअप आसान है, लेकिन माइयों का मेकअप ही ग्रे. मैं आज ये नोट कर रही हूँ, आप लोग आके खुद देखिएगा तब तक सरा करना होगा. आपको यही बताया था उस दिन, मैं यही कह रही थी मेकअप को ब्लेंड करना होता है. सॉफ्ट मेकअप ज्यादा मुश्किल काम है. कलर्स के साथ प्ले करना, डार्क मेकअप करना इज मच इजियर. अच्छा भाई तुम रेडी हो तो तुम बताओ मुझे. रेडी हो? नहीं अभी तो नहीं हो. अच्छा तुम इसका छुटा रही हो, क्या कर रही हो? बेसिकली ये जो आयल जो आपकी हेयरलाइन होती है उसको फॉलो करके मस्कारा या जो भी डार्क शेड लगा हुआ था मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ फाउंडेशन के थ्रू. अच्छा. बिकॉज ऊपर देखें, बिकॉज मुझे जो है वो बेसिकली इनकी लैश या लाइनर जो भी है वो हाफ वे से ऊपर की तरफ करना जो है. भी मेकअप इन्होंने किया हुआ था, इनकी आंखें और ड्रूपी हो रही थी. इन्होंने क्या गलती की थी बेसिकली? ये गलती की थी कि जैसे देखे ना आपकी, करीब जाएं प्लीज. हाँ. आंख बंद करें. अब ये आपकी हेयरलाइन है ना. हाँ. इसी को आप फॉलो करते करते डार्क शेड यहाँ तक ले आएंगे ना. हाँ. तो आपकी आंख और ड्रूपी हो जाएगी, तो क्योंकि ये जो आखिरी का हिस्सा है. हाँ. यही ड्रूपी कर रहा है. तो इनको क्या तो आप में हाफ वे में आप इसको ऊपर ले जाए. ओके ओके. अब खोलो तो अब आपका लाइनर और लश इस लाइन को फॉलो करेगा. ओके सही है. सो वो जो मेकअप था उसने और इनकी आंखों को. अच्छा ड्रूपी आंखें क्यों होती है? सैग आपकी एज बढ़ जाती है, जेनेटिकली होती है, खानदान में होती है ना, जैसे उठी भी आंखें किसी की बदामी सब शेप्स जेनेटिकली होती है. हर फैमिली के एक फीचर्स होते हैं अपने, और जाहिर है आपकी फैमिली में अगर होती हैं तो जेनेटिकली यू इनहेरिट दोज आईज. यस. अच्छा जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं उसमें मैंने नोट किया है मावरा की आंखें ड्रूपी हैं. हाँ. लेकिन मैंने मावरा को कभी अपनी आंख मेकअप के थ्रू उठाते हुए नहीं देखा. शी इज हैप्पी विद हर ड्रूपी आईज. बट उसकी आईज ड्रूपी हैं लेकिन बड़ी खूबसूरत तरीके से ड्रूप कर रही है. हाँ. और आप देखिए उन्होंने कभी इतनी ज्यादा वो नहीं लगता कि यूं करके बिल्कुल नीचे को है, क्योंकि बहुत यंग है ना. एक्चुअली उसकी आई जो है ना वो खुली हुई आंख है. खुली हुई आंख है लेकिन शेप ड्रूप्ड है. मगर मैं यही देख के हमेशा हैरान हुई हूँ कि वो तो ज्यादा मेकअप भी नहीं करती है. वो आंखों पे देखो मेकअप कितना, इसलिए वो मिनिमम मेकअप रखती है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर आपकी आंखें ड्रूपी हैं या आपकी आई लेट ड्रूपी है तो उस पर कम मेकअप रखें. ओके दैट्स द बेस्ट थिंग. आपको अगर द मोमेंट आप ऐसी आंखों पे प्रोमिनेंट मेकअप करेंगे तो वो शेप और प्रोमिनेंट हो जाएगा. अब जैसे वनीजा के मैंने बहुत मेकअप किए बहुत, तो वनीजा की आंख भी ना ड्रूप करती है. ठीक है. तो उसका तो खैर वेट भी बहुत कम है और विनी का तो विनी के तो फीचर्स ही बहुत खड़े खड़े एलिगेंट से हैं, बहुत छोटे छोटे और बड़े डेलिकेट. तो उसका हम क्या, मैं क्या करती थी, हम क्या करते थे दोनों मिलके हमारे था कि वो उसकी आंख को पूरा बेयर छोड़ देते थे. कॉर्नर पे छोटा सा लाइनर का एक लाइन लगता था जो कोने को उठा देता था. देखने में लगता था लाइनर नहीं लगा हुआ लेकिन कोने में लाइनर लगता था टू जस्ट पिक इट द कॉर्नर अप. वो ड्रॉइंग होती थी, ड्रॉइंग. अगर आप नोट करें ना माहिरा की आंखों में भी वो पूरा लाइनर नहीं भरती. हाँ, वो हाफ लगाती है. जैसे मेरी आई है. हाँ. अगर आप इस आई के ऊपर पूरा लाइनर लगा दें तो वो बहुत बुरा लगता है. हाँ. मैं भी हमेशा यहाँ से लाइनर लगाती हूँ. हाँ. और थोड़ा सा लिफ्ट अप करना पड़ता है. अच्छा मैंने सबको देखा है, अच्छी लैशेस में देखा है, लैशेस लाइनर में नहीं देखा. लाइनर नहीं. There was a time, do you remember, I used to apply aqua liner. Yes, blue liners, yes. I need to come back here. तुमने अभी कोई लैश लगाई है? जी. अच्छा तुमने अभी कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ लैश लगा के? सिर्फ लैश लगाई है. और तुमने लैश को जो लगाई है वो क्या शेप, उसको ऊपर रखा है? ऊपर रखा है जहाँ से मैंने फाउंडेशन को हाफ वे ऊपर किया था ना, मैंने वहीं से लैश को ऊपर की तरफ फॉलो किया है. अच्छा ठीक है. मतलब तुमने लैश उठा के लगाई है, लैश लाइन के साथ नहीं रखी? नहीं. क्या मैं इसकी आंख खुलवा सकती हूँ? खोलें. आंख खोलो जरा एक मिनट, दोनों आंखें खोलो प्रॉपर. एक थोड़ा सा देखो तो आपने इसको ढीला छोड़ो. अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं खाली लैश उठा के लगाने से ही इसकी दोनों आंखों में डिफरेंस नजर आ रहा है. प्रॉपर आंखें खोलो. हाँ ये देखिए लैश ऊपर. अभी तो पूरा मेकअप नहीं हुआ, हुआ नहीं. हम एक ही मेकअप आँख का मेकअप करेंगे ताकि आपको डिफरेंस हम दिखा सकें. अच्छा अब तुम लाइनर से लेकर अब उसको आँख की ड्रूप को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है ठीक है. अब वो जो गैप है बीच में उसमें तुम जाहिर है फिल कर तो वो परफेक्ट हो जाता है. ओके ये देख सकते हैं पहले
लाश लगी है फिर उसके ऊपर लाइनर लगाया जा रहा है. आप लाइनर लगा के भी लाश कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको एज ए मेकअप आर्टिस्ट क्या टेक्निक ईजी लग रही है. मैंने फाउंडेशन की लाइन बनाई थी, आप चाहें तो फाउंडेशन लगा के आप उसके ऊपर लाइनर लगा के फिर उस पर चिपका दें, इट डजंट मैटर. हाँ ठीक है ओके. और देखिए जैसे जैसे मैं उसको हल्का हल्का फिल करती रहूंगी ना, खोल के दिखाऊं बेटा, मुझे पानी दे दो. जैसे जैसे ब्लेंड, तुम ब्लेंडेड लाइनर लगा रही हो उसके ऊपर? ब्लेंडेड नहीं लगा रही है, तो मैं सिर्फ उसके थ्रेड को जो है वो छुपा रही हो, क्योंकि थ्रेड नजर आता है. अच्छा, लोगों को प्लीज ये भी मशवरा दो कि लैशेस वो किस तरह की खरीदें. मार्केट में तो बड़ी आर्टिफिशियल टाइप लैशेस भी आती हैं. इस टाइप के आंख के लिए अगर क्लाइंट जो किसी को भी मेकअप करना है, उसकी ड्रूपी आईज है, तो लैश सिलेक्शन के अंदर उसे बहुत केयरफुल होना चाहिए. उसकी आई पे हमेशा जैसे विंग्ड लैश होनी चाहिए. विंग लैश किसे कहते हैं? जो अंदर से छोटी होती हैं और फिर ग्रेजुअली बड़ी होती जाती हैं और यहाँ से बड़ी होती हैं. आप अगर देखेंगे तो मार्केट में वो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है. सपोज की शेप भी विंग की तरह होती है, विंग की तरह होती है, जैसे ड्राइंग की भी. वो छोटी छोटी इनर साइड से छोटी होते हुए वो बड़ी ग्रेजुअली बड़ी होना शुरू होती है. तो वैसी लैश इस आई के लिए बहुत अच्छी होती है. ओके ओके. अच्छा, जैसे मैं देख रही थी हुदा की लैशेज, हुदा की लैशेज होती है बड़ी ग्लैमर, लेकिन उनका जो थ्रेड है वो बड़ा मोटा है. बहुत मोटा और बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, प्लास्टिक टाइप है. हाँ, मतलब वो इतना मोटा है कि वो आपको तंग करता है आंख के ऊपर. सो मैं कह रही हूँ इतना हुदा का इतना नाम और उसका थ्रेड इतना मोटा है. निदा, जरूरी नहीं है. एक्चुअली ये जो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना हमारे पास कि हम ब्रांड्स में स्टक हो गए. हाँ ठीक है. मैं देखती हूँ कि बाज दफा बहुत, अब तो मार्केट में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इतना कुछ अवेलेबल है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई इतनी ब्रांडेड नहीं है मगर बहुत अच्छी क्वालिटी. अच्छा, ये जो आर्डेल की लैशेस हैं ये भी ब्रांड है क्या? आर्डेल, आर्डेल इज अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड, इट्स इंपोर्टेंट. आर्डेल इज अ ब्रांड एंड आर्डेल का थ्रेड बड़ा हल्का है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और आर्डेल की आई लैशेस बहुत अच्छी होती हैं. बात बताऊँ की हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स, मैंने एक लोकल ब्रांड के साथ कुछ अरसे काम किया तो मुझे हैरत हुई कि उनका पिगमेंट कितना अच्छा था. उनकी लिप पेंसिल्स का पिगमेंट इतना अच्छा है कि अगर आपने डार्क लिप पेंसिल के ऊपर लाइट लगाई है ना, तो लाइट पिगमेंट डार्क को एब्जॉर्ब कर जाता है. हुमा, पता है एक बात बताऊँ, लिपस्टिक कोई ऐसा सस्ती टाइप इस्तेमाल करने की में बहुत डर लगता है, क्योंकि आपके लिप्स के कलर का मामला है. आप लिपस्टिक्स थोड़े सस्ती वाली इस्तेमाल करते हैं जो आपको लगता है अच्छा जी सस्ते में मिल जाएगी, कभी कभार वो उनके अंदर लेड इतना होता है जो आपके लिप्स को काला कर देता है. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मिडोरा पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे स्टेबल ब्रांड रहा है. योर मार्केट उन्होंने उसको आगे डेवलप नहीं किया, लेकिन मिडोरा की एक रेड लिपस्टिक आया करती थी जो मैं आज से बात कर रही हूँ 1999 में एक रेड लिपस्टिक थी उनकी जो कि हर ब्राइड पे उस वक्त लगती थी. और वो एक रेड कलर था, अमेजिंग रेड था. मुझे उसका नंबर याद नहीं है, लेकिन वो एक बहुत, एक उनकी आती थी कॉफी पिंक कलर जो हम शूट्स पे मॉडल्स के पिंक लगाते थे, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट पिंक कलर. अच्छा, उसके बाद कभी किसी को कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ. ठीक है. अच्छा, मिडोरा के नेल पॉलिशेस उस वक्त के, आज तो मुझे नहीं पता मिडोरा की क्या स्टेटस है राइट नाउ, बट उनकी नेल पॉलिशेस भी उसी वक्त बहुत अमेजिंग हुआ करती. पहले तो हर चीज इसी तरह से बे, बैक इन 80s मैं मिडोरा का एक लिप कलर लगाती थी, नेचुरल नेचुरल. वो बस टिंट की तरह, अब तो टिंट्स आ गए. उस जमाने में मजोरा बनाता था नेचुरल, वो बस आप लगाया वो देखने में ऑरेंज होती थी, आप लगाएं तो पिंक हो जाते थे. बट आई यूज्ड इट फॉर सो मेनी गुड 3-4 years, कभी भी ब्लैक नहीं हुआ. जी, और आप यकीन करें कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स है ना, उनका सामान आता बाहर से, ऑफ कोर्स सारे ड्रम्स में भर के आता है, सिर्फ उनको शेप अप करते हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि उनकी उनसे चीजें खराब हो जाती है. ठीक है, लिपस्टिक का नाम क्या? ओके, ओ माय गॉड, जबरदस्त. आंखें दिखाओ. अब बीनिश का मशवरा है कि जिनकी ड्रूपी आंखें हैं, हाँ जरा ये कौन है कैमरे के आगे, थोड़ा सा पहिए से जरा इधर कर लेना ताकि वो काम में इसको प्रॉब्लम ना हो. अब आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ रहा है.
झुकी हुई आंख है, प्यारी आंख है लेकिन बहुत झुकी हुई है, नेचुरली उसकी जेनेटिकली ऐसी है. सो ये वाला जो आई मेकअप है ये इनके ऊपर सूट करेगा अगर देखा जाए. सामने से देखें तो आपको फर्क, हाँ बिल्कुल फर्क साफ जाहिर हो रहा है. साइड जो है वो उठ गई है. हाँ और ये वाली वेरी गुड वेरी नाइस, बड़ा जबरदस्त तुम्हें सिखाया. लाश भी उठा के लगाई है, लाश बहुत हैवी भी नहीं. अब मैं बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने किया क्या है. सबसे पहले आप हाफ वे आँख से अपनी जो हम ब्राउन या जो भी ब्लैक शेड यूज़ कर रहे हैं उसको पूरा पूरे आँख तक फॉलो नहीं करेंगे. ईजी जबान में समझा रही हूँ. हाफ वे से आप उसको वाइट रखेंगे, यानी फाउंडेशन का जो कलर है वो रखेंगे, ठीक है. फिर आप अपनी लैश उस हाफ वे अप जो आपका जा रहा है उस पर आप लैश को ऊपर की तरफ चिपकाएंगे, यानी आपकी लैश आगे से तो हेयरलाइन पे होगी लेकिन जैसे जैसे वो एंड्स की टुवर्ड्स आ रही होगी वो ऊपर की तरफ आप उसको चिपका देंगे, ठीक है. फिर उसी ऊपर वाले थ्रेड को ही फॉलो करते करते आपने लाइनर लगाना है और फिर जो ये वाला हिस्सा है उस पर फाउंडेशन हल्का सा देके उसको क्लीन कर देना. तो आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो फाउंडेशन से क्लीन हो जाएगा. ओके. और आपका विंग, अच्छा दूसरा आंख बंद करो. विंग बनाने का भी एक अलग तरीका है. आप जब इस तरह की ड्रूपी आईज पे विंग बनाते हैं तो आपने ये ऐसे विंग बनाया है. ये देखें, ये आप देख रही हैं, मतलब मैं आपको ब्रश के थ्रू ही समझाती हूँ. ये यहाँ तक आप गए एंड देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चल रही है. हाँ, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल विंग, ठीक है. इट्स अ डिफरेंट विंग फॉर द ड्रूपी आईज. खोलो. अब ये जब खोल रही है आँख तो ये विंग है, बट आप जब बंद करें तो ये एक अलग नीचे का पोर्शन है, ऊपर का अलग है और उसको कनेक्ट किया गया है एक वी के जरिए. सही है, खोलो. So this is the difference for the eye maker, sorry, the wing liner for the droopy eyes. तुम eyebrows के साथ भी कुछ खेल सकती हो आँख की droopiness खत्म करने के लिए? बिल्कुल कर सकती हूँ. वो भी बताओ मुझे. एक मिनट का टाइम रह गया, बस हमारा ब्रेक पे जाना है. बिल्कुल, उसको बहुत easy है. 8 मिनट हैं आप लोगों के पास, 8 मिनट 7 सेकंड्स का टाइम है. इस मुझे लगता है ब्रेक में ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा. ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको दो दो दुल्हनें तैयार की हमारी लड़कियों ने. भाई हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? एंड्स जो हैं वो आपके आईब्रो के, आप देखें. यस, ये देखें, एकदम डिफरेंस आया आपने. और यहाँ देखें, जब आईब्रो की लेंथ आपकी ओवर लंबी होगी ना, तो आपकी आंख वैसे ही ड्रूपी लगेगी. ड्रूपी आंख को छोटी रखनी चाहिए. उसकी लेंथ को जो है वो आप काट दें. अगर फॉर सपोज आपकी आईब्रो नहीं भी बनी हुई है और उस पर कोई प्लकिंग या थ्रेडिंग का सामान नहीं है, तो आप ये स्टिक ली और आपने ये जो बाकी के बाल हैं देखें तो छुपा दिए. छुपा दिया. ग्रेट, कितना फर्क लग रहा है छोटी आईब्रो होने से. ये मेकअप एक आर्ट है भाई, एक आर्ट है. हर किसी को इस तरह नहीं आ जाता. मेकअप आर्टिस्ट पैदाइशी मेकअप आर्टिस्ट होता है. हाँ, फिर उसको अंदर वो अपने आप को तराशता है. पैदाइशी तो ज़रूर होते हैं लेकिन मेरी हर उस इंसान से जिसको मेकअप आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश है, चाहे वो यहाँ मौजूद है या वो देख रहे हैं हमें, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बेशक आप बॉर्न होते हैं लेकिन आपको अपनी स्किल को अपनी एजुकेशन से पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. सो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ. 6 मिनट 52 सेकंड्स का टाइम है. ब्रेक के दौरान ही मैं इन लोगों से इनकी सारी जो पावर है वो छीनने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो फैसला होगा आपके कोर्ट में, किसको कितने नंबर देने हैं, किसको रखना है, किसको हटा देना है, क्योंकि 5-5 लोग आज एलिमिनेट करेंगे. आप सिर्फ एक को छोड़ेंगे यहाँ ग्रैंड फिनाले में 1,00,000 रुपए का इनाम जीतने के लिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब. अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त से आपने बहुत गौर से टीवी के आगे बैठ जाना है. इससे पहले कि मैं ब्राइड्स जो यहाँ तैयार हैं माइयों की और वलीमा ब्राइड्स, हमारे 6 कंटेस्टेंट्स ने तैयार किए, मैं उनसे आपको बाखूबी वाकिफ करवाऊँ और आपको दिखवाऊँ कि उन्होंने कैसा मेकअप किया है. बहुत अमल दखल होता है एक ब्राइड के पूरे लुक को खूबसूरत दिखाने के लिए, उसके ज्वेलरी और उसके कपड़ों का. सो इससे पहले कि मैं आपको कपड़े दोबारा से दिखाऊं प्रॉपरली, मैं चाहूँगी कि जो जो भी कलेक्शन ये है, उज़ैर शाहिद ब्राइडल कलेक्शन, उसके जो ओनर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊं. आइए मैं बुलाती हूँ उज़ैर.
शाहिद से. ये जोड़े ना सिर्फ इनके हैं बल्कि आ जाएं प्लीज उदय, बल्कि जो कल के ब्राइडल जोड़े थे वो भी इन्हीं के थे. अस्सलाम वालेकुम उजैर, कैसे आप? ठीक ठाक है उजैर? कहाँ है आप लोगों का ये बुटीक वगैरह, कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं लोग? क्लिफ्टन तीन तलवार पे. क्लिफ्टन तीन तलवार पे है. और मुझे ये बताइए कि कितने दिन पहले ऑर्डर देना होता है? कस्टमाइज बनाते हैं और रेडीमेड भी मिलते हैं कपड़े के? नहीं, रेडी टू वेयर भी मिलते हैं. कस्टमाइज के लिए तकरीबन 35-40 डेज के अंदर हम लोग करके दे देते हैं. ओके ओके ओके. 35-40 पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर, ऑनलाइन भी डिलीवरी कर देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड द वर्ल्ड हमारा जो है ये सारा डिलीवरी देते हैं. हाँ, सो वो कोई फैक्ट्री वगैरह इतनी बड़ी है कि इतना सारा, मतलब मैं देख रही हूँ कल के भी ब्राइडल जोड़े थे, आज वलीमा कलेक्शन भी है, माइयों कलेक्शन भी है. किस किस तरह के कपड़े आपके बुटीक पर हमें मिल सकते हैं? मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, एवरीथिंग जो भी. और वो फॉर्मल भी, जैसे किसी ने शादी अटेंड करनी है, पार्टी वेयर, साड़ी, पार्टी वेयर, सारा कस्टमाइज करके दे रहे हैं ना? सारे कस्टमाइज. और साइजेस अगर रेडी टू वेयर में पूछूं क्या क्या अवेलेबल है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज होता है. इसके अलावा अगर कोई अपने साइज से बनवाना चाहता है तो उसको एडजस्ट करके दे देते हैं उसी में से. अगर एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह होता है तो उसमें टाइम लगता है. So, वो ऐसा होना चाहिए कि जेब में कितने पैसे हो तो आपके पास आए, वरना नो एंट्री. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब हम लोग हर रेंज में कर देते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है. क्योंकि हम लोग देखें उस ब्रांड की तरह तो नहीं लेते ना. पैसे जो लेते हैं वो लोग 300% पे काम करते हैं, 400 पे. हम लोग 25% पे करते हैं. हर बंदा आके अफोर्ड कर लेता है. ठीक है उजैर साहब, अब मैं आपकी कलेक्शन जो है ना प्रॉपरली दिखाना चाहूंगी ऑडियंस को. थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे खूबसूरत कपड़े जो हैं वो हमारी मॉडल्स को कल भी और आज भी पहनाए. एंड बहुत मुझे आपका काम बहुत प्यारा लगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगा. सो कोई ऐसी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आप? कोई डिस्काउंट वगैरह है कोई आज के दिन के लिए? कोई भी आएगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह 25% तो दे ही देंगे लाजमी. अरे जबरदस्त. तो भाई जी उजैर ब्राइडल कलेक्शन जो कि क्लिफ्टन तीन तलवार शॉपिंग मॉल, 25% कब तक ऑफ है? इस मंथ के लिए समझ लें, इस मंथ के लिए उन्होंने दे दिया है भाई 25% ऑफ. हमारा नाम लीजिए, बस जीएमपी का नाम लीजिए और 25% ऑफ पाइए जी. थैंक यू सो मच उदय साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आइए जी म्यूजिक का सिलसिला शुरू करते हैं. जजेस सुकून से बैठकर आप लोग वहां पे जाके आप खुसर फुसर करें. मैं पब्लिक को दिखाना चाहूंगी एक एक करके कि आज हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने कैसा काम किया. एक ब्रेक आपको और मिलेगी दोबारा खुसर फुसर करने के लिए. इस वक्त तो मैं सिर्फ फोन कॉल्स ही लूंगी, तो आप लोग जरा गौर से और देख लीजिएगा. आइए जी सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ले जाऊंगी अंदलीप हाशिमी. अनीका अंदलीप क्या हो गया, मुझे पागल हो गई हूँ मैं. तुम लोगों के नर्वस होने के बजाय मैं नर्वस हो रही हूँ. मुझे थोड़ी चाहिए 1,00,000, तुम लोगों को मिलेगा. तो अनीका हाशमी, अनीका हाशमी की माइयो एंड वलीमा ब्राइड गौर से देखिएगा. चलो भाई शुरुआत. जी को जलाते थे सहारे, रास्ता दिखाई ना दिया. हो मेरे लिए ना थे किनारे, लहरों का होके बैठिया. माइयो एंड वलीमा ब्राइट से आपको वाकिफ कराने वाली हूं. आइए. चोरी चोरी खाबों का भी
हो गया। तो ये थी अनमोल आजम की ब्राइड्स। आइए मैं आपको दिखाती हूं शमीम फयाज की ब्राइड्स। जी को जलाते थे सहारे, रास्ता दिखाई ना दिया, हो मेरे लिए ना थे किनारे, लहरों का होके बैठिया। दिखाती हूँ आयशा खानम की ब्राइड्स, मायो एंड वलीमा। चोरी चोरी ख्वाबों का भी आंखों में आना जाना हो गया। दिखाऊंगी इफ्रा जब्बार की ब्राइड्स। जी को जलाते थे सहारे, रास्ता दिखाई ना दिया, हो मेरे लिए ना थे किनारे, लहरों का होके बैठिया। दिखाती हूं आपको मुस्कान खान की ब्राइड्स। ओ
ख्वाबों का भी आंखों में आना जाना हो गया। हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स हैं आज और उन सब में से आपको एक चूज करनी है और एक चूज करने का मतलब है आपने वोट उसको करना है जो ग्रैंड फिनाले की विनर आप करार दे पाएंगे। वो कोई भी हो सकती है इन 6 कंटेस्टेंट्स में से। आपने पूरे 5 दिन इनका काम देखा है और उन सब चीज़ों की बिरते पर, आज के काम के बिरते पर आपने जजमेंट देनी है। मैं फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करने वाली हूँ। ब्यूटिशंस के जो नाम हैं वो मैं एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ। इफ्रा जब्बार हमारे साथ हैं, ठीक है। शमीम फयाज हमारे साथ हैं। अनीका हाशमी हमारे साथ हैं। अनमोल आजम हमारे साथ हैं। आयशा हानम हमारे साथ हैं। मुस्कान खान हमारे साथ हैं। मैंने क्लियर कट एक एक ब्यूटिशियन का नाम दोबारा दोहराया है ताकि आप जब फ़ोन कॉल्स में उनका नाम लें तो आपको पता हो कि आपने किसको सेलेक्ट करना है। एक को वोट करना है जिताने के लिए, नो एलिमिनेशन। विनर को, जिसको 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज आज मिलने वाला है ग्रैंड फिनाले में। कौन है हमारे साथ कॉलर? मंतशा अस्सलाम वालेकुम। मंतशा, फोन जब आप करें टीवी का वॉल्यूम बंद होना चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैं सब सारे नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगी। जी मंतशा, क्या है आपका फैसला, किसको आप ग्रैंड फिनाले की विनर करार देंगी? अनीका हाशमी को। इन्होंने पहला वोट आया है कॉलर से अनीका हाशमी के लिए, जिनकी फोन कॉल्स नहीं लग रही वो हमें फेसबुक पे एसएमएस करके, इंस्टा पे एसएमएस करके भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं जजमेंट में। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। मरियम अस्सलाम वालेकुम। मरियम जी, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई है, बहुत एक भरमार है कॉलर्स की। कौन है? फायजा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नबीला नदी जी, हेलो। मैं नबीला नदीम बात कर रही हूँ, रिनाला खोदोकाड़ा से। जी नबीला, किसको चूज करेंगे जिताने के लिए? आयशा कामरान। आयशा कामरान कोई है नहीं यहाँ पे। आयशा खानम, सॉरी आयशा खानम। जी आयशा खानम को वोट किया है इन्होंने। ये है आयशा खानम, ये है इनका काम। यहाँ एक वोट आयशा खानम के लिए। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी कॉलर्स की कॉल्स आ रही हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं बहुत झुक के हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि प्लीज़ वॉल्यूम टीवी की बंद करके फिर मुझसे बात करें ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। अगर फ़ोन कॉल नहीं मिल रही तो प्लीज़ एसएमएस कीजिए ताकि हम सही फैसला कर सकें। आपने वोट करना है जिसको आपने जिताना है ग्रैंड फिनाले में। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान में बात, निदा बात कर रही है? बिल्कुल जी, मैं निदा ही बात कर रही हूँ। किसको वोट? जी जी बोले। जी मैं नेहा बात, जी मैं नेहा बात कर रही हूँ। नेहा बोले, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं कराची से बात कर रही हूँ, D120 साइट एरिया कराची ARY. तुम्हें क्या करना है, मुझे खत लिख के भेजना है या मुझे कोई तोहफा पार्सल करना है? तुम्हारा काम इस वक्त सिर्फ ये है कि तुमने जजमेंट करनी है. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी किसको वोट करेंगी मेरी व्यूअर, मेरे मैके वाली? जी मैं मुस्कान खान को वोट करूंगी, इनकी दुल्हन बहुत अच्छी है. मुस्कान खान, आज भाई बड़े आंसू बहा के वापस आई हैं. ओके जी, मुस्कान खान हैं, इनको एक वोट आया है. जी कुरतुल ऐन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. मैं अनिका को वोट करूंगी. किसको? अनिका को. अनिका हाशमी के लिए एक और वोट आया. जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज. मुस्कान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. समन सरफराज बात कर रही हूँ मैडम. अच्छा, आई एम सॉरी समन. जी आप किसको? जी, मैंने अनिका हाशमी को. अनिका हाशमी के लिए एक और वोट आया जनाब. जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज. अफशान अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अफशान किसको वोट करेंगी आप? मुस्कान खान को. मुस्कान खान के लिए एक वोट और आया. जी एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद तहमुल से आप सारी दुल्हनों को दोबारा देखिएगा एंड अपनी वोटिंग का सिलसिला शुरू करिएगा. ब्रेक के दौरान भी आपके मैसेजेस पे है हमारी नजर, किसको जिताना चाहते हैं ग्रैंड फिनाले में, लाख रुपए किसके नसीब में जाएंगे, देखिए छूलो आसमान सीजन 2 में एक छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह ब्रेक के दौरान तो हमारे फोन लाइंस, हमारे सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया है, इतनी कॉल्स, पता नहीं वसीम बदामी की तरफ भी आ रही है, फाद मुस्तफा की तरफ, सारे सारी जगहों पे कॉल्स कर दी हैं आप लोगों ने उठा के. हाँ तो जी ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट अब आपके हाथ में है, आपने फोन कॉल्स करके बताना है कि आपने इन 6 की 6 कंटेस्टेंट्स में से किस एक को चुनकर उसे लाख रुपए का इनाम जितवाना है. और जीतना ही एक बहुत बड़ा गेम है भाई, लेकिन हाँ सेकेंड और थर्ड को भी सभा ने अनाउंस किया है कि वो अपने पास उन्हें एक शॉर्ट कोर्स कराएंगी, मास्टर क्लास देंगी, ताकि वो अपने क्राफ्ट को और भी ज्यादा ग्रूम कर सके. सो आइए शुरुआत करते हैं आपकी कॉल्स का सिलसिला. कौन है पहली कॉलर? शहाना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हाँ बोलो, नाम बताओ. नाम बताओ, किसको सेलेक्ट किया है तुमने? अनिका को. किसको? अनिका को सेलेक्ट किया है. मुझे आवाज आई अलीशा, मैंने कहा अलीशा कौन है. ओके जी अनिका के लिए एक वोट आया है. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. आमना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम. जी आमना किस... वालेकुम अस्सलाम, किसको सेलेक्ट करेंगी आप? मैं आयशा को, आयशा खानम. आयशा खानम के लिए वोट आया है जनाब. आइए बढ़ते हैं आगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप? लनिदा भी. मैं अनिका हाशमी को वोट करूंगी. ओके जी शुक्रिया इफ्रत. जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. मैं अनिका. वालेकुम सलाम, मैं अनिका को वोट करूंगी. थैंक यू जी. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी किसको वोट करेंगी? मुस्कान खान को. मुस्कान खान के लिए वोट आया है जनाब. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, जी रमी से बात कर रही हूँ मैं. बोले बोले बोले, किसको वोट करेगी? मैं अनिका को. ओके जी, एक दफा मैं सबका चेहरा दोबारा दिखाना चाहूंगी. आइए जी मेरे प्लीज कैमरामैन इफ्रा जब्बार की दुल्हन इस वक्त आप देख रहे हैं, शमीम फयाज की दुल्हन इस वक्त मैं दिखा रही हूँ. प्लीज कैमरे की तरफ दोनों दुल्हने देखें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. अनिका हाशमी की ब्राइड्स को मैं दिखाना चाह रही हूं, अनमोल आजम की ब्राइड्स देखिए, ये दोनों उसकी ब्राइड्स हैं, प्लीज. हाँ आयशा खानम की ब्राइड्स को देखिए, ब्राइड्स प्लीज उस कैमरे में देखिए, आप कैमरा वो है.
एंड मुस्कान खान की ब्राइड मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ. दैट्स योर कैमरा. जी एक दफा जल्दी से रिकैप हो चुका है. आइए आपकी कॉल्स की तरफ चलते हैं. सदाफ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, हेलो, कैसी हैं निदा? ठीक हूँ. बताओ किसको वोट करोगी? पहले तो बड़ी खुशी हो रही है, मैं फर्स्ट टाइम कॉल की है आपके शो पे. शुक्रिया. और बड़े शौक से देखती हूँ मैम भी और मेरी बच्चियां भी. थैंक यू. हाँ जी, और मैम मुस्कान को वोट करूंगी. आपने मुस्कान को वोट किया, बिल्कुल जी. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हाँ सना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी है निता? बिल्कुल ठीक. आप बताओ किसको वोट करोगी? मैं अनीता को वोट करूंगी, वो बहुत प्यारी लग रही है. अनीता भी प्यारी लग रही है आपको या उसकी दुल्हने प्यारी लग रही है? ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो. हेलो. हाँ भाई, ये तो छोटी सी कोई बच्ची लग रही है या बच्चा? अल्लाह, मुस्कान खान कौन है ये छोटा सा बच्चा? वाह वाह वाह. हाँ भाई. हेलो सुमेरा, अस्सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. आप बताएं किसको वोट करेंगी मेरी जज? मैं मुस्कान खान को करूंगी, आप बहुत प्यारी हैं. आपका शुक्रिया आपकी मोहब्बत. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो. अनमोल को. जी अनमोल को. अनमोल 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 को भी वोट आ गया. अनमोल आजम को वोट आया जी. ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. कितना टाइम है मेरे पास और मैं कितनी कॉल्स ले सकती हूँ? ओके ओके, मैं आखिरी आखिरी कॉल ले रही हूँ और फिर मैं आपको वो रिजल्ट जो आपने चुना है उससे आगाह करने वाली हूँ. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं साथी बात कर रही हूँ, आपका जो वोट मुझे इतनी प्यारी लगी है, मुझे आपसे मिलने की बहुत खुशी है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. बताओ तुम्हारी भी वोटिंग मैं सुन लेती हूँ. चलो वो तो तुम छोटी सी. मैं मुस्कान को वोट करना चाहती हूँ. ठीक है ठीक है जी. अच्छा जी, यहाँ आप लोगों को भी इधर आना पड़ेगा. मुस्कान तुम्हारे लिए सारे बच्चों की कॉल आई, तुम बच्चों में बहुत मकबूल हो गई हो. है बच्चे दोस्त भी हैं. ओके अच्छा, जरा सा आप इधर आ जाए. आज आपकी जजमेंट और पब्लिक की जजमेंट मैटर करती है उन सारी लड़कियों के लिए जिन्होंने यहाँ पूरे 5 दिन रात को सोए नहीं क्योंकि सुबह शो पे आना था और दिन में बस यही सोचते रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा. मेरे पास जो फेसबुक का रिजल्ट और जो टेलीफोन का रिजल्ट है, ब्रेक में भी हमारी फोन कॉल्स हो रही थी और आपसे भी मैंने ब्रेक में गुफ्तगू की थी. सो वो जो सारा रिजल्ट हमारे सामने है, हम उसे डिटेल में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. बिल्कुल. अच्छा, जब हमने पहले दिन शुरू की थी, आज हम सब एक्चुअली एक इन 6 में से, बल्कि इन सारी जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हमारे पास, मेरे ख्याल से 12 थी 10 थी ना पहले दिन से. हाँ भाई टीम बताओ, याद दिलाओ. 10 थी. So, तब से लेकर अब तक एक हैरानी जो हमें हुई है, जिसके काम को देखकर हम बड़े हैरान हुए. जरा अनाउंस करें ना उसका नाम. शमीम फयाज को मैंने देखा है. शमीम फयाज जरा इधर आएं. बहुत इंप्रूव हुआ है काम पहले दिन से आज इनका काम इधर इस तरफ बहुत डिफरेंट है. बहुत शमीम फयाज इधर आए जरा यहाँ पे. एंड शमीम फयाज का मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो शमीम आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, You are open to learn. आपके अंदर वो एबिलिटी है. मैं इम्प्रेस हूँ कि 5 days में आपके काम में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है और आपने सीखा है. यानी कि अगर हमने, हमारे पास अवार्ड है शमीम के लिए कि जो चेंज ये 5 दिन में लेकर आई, फास्ट लर्नर. इन्होंने जो लर्न किया उसके लिए सभा कुछ अनाउंस करना चाहती है शमीम के लिए खासतौर. शमीम आपके लिए मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, मैं आपको एक मास्टर क्लास देना चाहती हूँ. आप आइए मेरे साथ, आके अपना डे स्पेंड कीजिए आप, और आप आके मैं आपको मेकअप सिखाना चाहूँगी. और मुझे लगता है कि मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी तो मैं आपको कुछ दे सकूंगी, आपको सपोर्ट दे सकूंगी. आप बहुत टैलेंटेड हैं. शमीम बताओ क्या सीखा? ओह स्वीट, क्या सीखा, कैसा फील हुआ, क्या लर्न करने को मिला बताओ. सबसे पहले तो स्वीट. हाँ
स्पीड नहीं थी मुझ में, मैं पकड़ लेती हूं, मैं पकड़ लेती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड हुई है तेज, इम्प्रूवमेंट आपके सामने हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा नींदें गायब हो गई थी, बिल्कुल सो नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें कम टाइम में, और जो हमने समझाया था सारी चीज़ें उसको भी कोशिश करी के उसके ऊपर काम किया या कुछ, बिल्कुल वो हेल्प भी हुआ या नहीं हुआ काफी हद तक, कर रही थी तो मैं कह रही थी वाओ शमीम वाओ, तुम कितनी दफा डेंजर जोन में आई हो, दो दो दफा, और देखिए उनका जो निकाह का मेकअप था जो आज माइयों लोग बेस्ट लुक बनाई है और आपने इतना अच्छा काम किया, निकाह मेकअप इतना अच्छा नहीं था लेकिन आज मायो का मेकअप बहुत अच्छा है, एंड इवन वलीमा ब्राइड पे भी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ओके शमीम अब तुम उधर जाओ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ओके जी नेक्स्ट रनर अप की तरफ चलते हैं, वी हैव थोड़ा शॉर्ट टाइम है तो ये ग्रैब करना पड़ेगा आपसे, सॉरी। ठीक है नेक्स्ट रनर अप आयशा खुर्रम, गुड लर्नर आयशा ने डे वन पे जब काम किया था तो उसको अगर आप देखें और आज का काम देखें, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव आयशा, और आज की सबसे अच्छी बेस आप यही कह रही हैं, बिल्कुल अभी हम जितनी भी है सबसे अच्छी बेस आयशा की, बहुत अच्छी बेस, बड़ा बैलेंस्ड आज इन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा मेकअप किया, तो आयशा आपको भी मैं मास्टर क्लास देना चाहूँगी, आप आए मेरे पास आके सीखें, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। अच्छा आप बाल और शमीम हल्का हाथ है, हल्का हाथ है, और मैं साथ साथ आप लोगों को स्टाइलिंग भी सिखाऊंगी, पूरा पूरा मेकअप एंड स्टाइलिंग बोथ, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए आपके माइंड में और आपको पता चल जाए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा सीख सकते, बहुत अच्छा सीखेगी, इसमें टैलेंट है, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई अब आ गया है वक्त, सारे बहुत अच्छे थे मेरी, आई थिंक कितने सारे ऑडिशंस हुए हैं जाके ये 10 खवातीन सेलेक्ट हुई थी, और जाहिर है सब बहुत अच्छी थी, लेकिन विनर तो एक ही होता है जिसने पूरे हफ्ते पूरे 5 दिन अपनी कारकर्दगी से हमें हैरान किया, कभी कभार परेशान भी किया कि ये क्या कर दिया, लेकिन जाहिर है जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको हमें भी इज्जत देनी है, वो मेहनती भी है, आपने भी उसको सेलेक्ट किया है और मज़े की बात ये जजेस ने भी उसी को सेलेक्ट किया है, सो कौन अनाउंस करना चाहेगा उसका नाम? मैं, क्योंकि मेरी टीम की स्टूडेंट है वो अनीका हाशमी। अनीका प्लीज कुछ कहना चाहोगी अपने उन फैंस से जो 5 दिन में डेवलप हुए हैं और तुम्हें जिताया है उन्होंने, उन जजेस ने और हमारे जजेस ने? Ma'am, first of all, I want to call my mama. Please. Oh. Most welcome. That's so sweet. Anika ने अपनी अम्मी के लिए पहले दिन ही हमें बोला था कि अम्मी आपको मेरे साथ जाना होगा. You are my lucky charm. So, अनीका की अम्मी मैम, ये मेरा जो जो मैं जीती हूँ ये सिर्फ इनके लिए, ये यहाँ पे आ चुकी हैं इस शो पे, हम दिखाना चाहते हैं आपको, लोगों को भी तो पता चले कि अनीका की अम्मी कौन है, आप दोबारा बताओ, मैंने सुना नहीं, ये काफी टाइम पहले आई थी और जीत के ना जा सकी पहले, तो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए करूंगी, विन करके आऊंगी इंशाल्लाह, और ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम मेरा ये था यहाँ पे आने का, मैं इनके लिए ये प्राइज और ये फर्स्ट पोजिशन हासिल करूंगी सबसे पहले, और मैम मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मेरे सब फैंस का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे लाइक किया, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, और आप सबका भी, स्पेशली मैम बिनिश, मैम सबा, मैं आप लोगों को बहुत लाइक करती हूँ, मैं सुमा, मैम निदा, और मुझे बहुत ऐसी बातें सुनने को मिली है कि अनीका सेलेक्टेड थी, अनीका जो है वो उसका काम अच्छा नहीं है, बहुत इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली है, लेकिन मैं दिल से कहती हूँ ARY की टीम जो है वो फेयर करती है हमेशा,
मैंने बहुत अपने पीछे बातें सुनी हैं, जबकि मैं उन सबको अपना दोस्त समझती थी, इस तरह का नहीं कहती थी ना करती थी, लेकिन मैंने बहुत गलत बातें अपने बारे में सुनी हैं कि अनिका का मेकअप अच्छा नहीं था, फिर भी जजेस ने उसको आगे किया, ना डेंजर जोन में डाला, ना उसको एलिमिनेट किया, हम जो हैं इतना अच्छा कर रहे थे, हमें निकाल दिया। हम अनिका से पहली दफा मिले हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगी जो सबके लिए ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि कभी किसी की बात पे ध्यान ना दो, क्योंकि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो चिन्हों का काम बहुत अच्छा होता है, उन्हीं के लिए लोग बातें करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम बाहर निकली है। आप प्लीज मैं आप भी कुछ बोलिए। कहीं फर्स्ट टाइम ये बाहर निकली है और इसको लेकर मैंने टीम से भी बात की। मैंने कहा ये अकेले कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, मुझे साथ में परमिशन दो। मुझे परमिशन नहीं मिली क्योंकि रूल्स होते हैं हर जगह के। तो आखिर में फिर सादिया ने आज जब ये मैंने कल यूट्यूब के ऊपर सारा सब कुछ मैसेजेस देखे, मैंने कहा मेरी बेटी तो हर किसी को अपना दोस्त समझती है, हर किसी को अपना समझती है। मैंने कहा आज मैं आप इसलिए आऊँगी, आप जीतो या हारो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप इसलिए आऊँगी कि कोई आपको कुछ बोले ना, माँ हूँ ना, आखिर माँ का दिल है ना, मोरल सपोर्ट। लेकिन एक कहीं ना कहीं से दिल से ये आ रही थी कि अल्लाह ताला जो है वो जायज़ मकाम ज़रूर देते। तो जी आपकी मेहनत, आपका भी सबब, आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क की वजह से आप जीती हैं। ना आप हमारी कोई रिश्तेदार हैं, ना हम आपको कोई जानते हैं। प्लीज सैश भी दे मुझे, भूले ना। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो। हाँ जी जी जी, बोले क्या बोल रही है सादिया, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं आपकी भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। निदा की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरी ARY की, बहुत टीम की शुक्रगुजार हूँ कि जो जो ARY के बारे में बोला जाता था कि ये फेयर नहीं करते, वो सब गलत है। अच्छा अब ये बहुत टाइम हो चुका है, तो प्लीज इसको सैश बनाएं, जल्दी से अवार्ड लें। 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज है। मुझे लगता है पैसों से ज़्यादा वैल्यू इसकी है कि आपके आपने बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करा दिया अपने जीतने से। ये लीजिए सबा, आप या आप तीनों मिलकर प्लीज ये अवार्ड आइए, ये इसके हकदार है। ये बेटा आपका अवार्ड है। थैंक यू सो मच। सैश उल्टा पहना दिया बहना। ओके जी, यहाँ मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि जो जितना टाइम आपने हमें दिया और जाहिर है जज थे, इंसाफ के साथ आपने फैसला किया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारा ग्रैंड फिनाले, हमारा जो वीक था छू लो आसमान सीजन 2, ये ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह आप लोग भी समझते हैं आप लोगों के अंदर टैलेंट है, सो हमें अपनी एंट्रीज भेजना शुरू करें, हम कभी भी किसी वक्त भी आपके लिए सीजन 3 ला सकते हैं और आपको आसमान छूने का मौका फराहम कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सभा, हुमा एंड बीनेश, आपने 5 दिन सुबह के इतने अहम टाइम हमें दिया, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आता था। As usual, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। दुआ में याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक साथ सबने क्या बोलना है, छू लो आसमान।